अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ जहांगीर हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तानी रिएक्ट्स टू। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सबका हमारे तरफ प्यार सलाम। और आज एक और जबरदस्त किस्म की और इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आए जी, और ये वीडियो है जी हाइपरलूप के बारे में, जो 2020 में जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो इसके काफी ज्यादा जो है ना टेस्ट ड्राइव हो रही है, मैंने देखी भी एक टेस्ट ड्राइव और हमने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया था शायद पुराने है ना टेस्ट ड्राइव का। तो अब देखते हैं इसके बारे में, एक दो और दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि इसके ऊपर रिएक्शन दे, और ये वैसे भी हमारा नया चैनल है वो तो बंद हो गया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आकाश शर्मा ने कहा था। ठीक है जी, उसके बाद ही मोहसिन अंदाज है और हक रिफत है। ठीक है जी, तो इन सब ने कहा था, तो वीडियो के ऊपर चलते हैं जी। और वीडियो है जी ज्ञान बाबा जी की, तो ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने हाइपरलूप के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, पर फिर भी आपके मन में थोड़े से डाउट्स तो जरूर होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, सेफेस्ट और चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हाइपरलूप काम कैसे करता है, हाइपरलूप के पीछे किसका दिमाग है, हाइपरलूप हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे बदल कर रख देगा, और ये इंडिया में कहां पर बनेगा, तो देर किस बात की, लेट्स डू दिस। ज्ञान बाबा, ज्ञान बाबा की तेरी गलियों में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुंबई से दिल्ली बस 30 से 50 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो वुड यू बिलीव मी। हाइपरलूप सुनने में बहुत ही अनरियलिस्टिक साईफाई कॉन्सेप्ट लगता है, पर इस पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, और ये हमारी दुनिया को बदल कर रख देगा। वो क्या चीजें हैं जो हमें अधिकतम स्पीड पाने से रोकती है? एक तो है फ्रिक्शन और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। अगर एग्जांपल के लिए हम रेलवे का सिस्टम लेते हैं, तो रेल की पटरियों और रेल के पहियों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उससे थोड़ी एनर्जी लॉस होती है और हमें वो स्पीड नहीं मिल पाती जो हमारा ट्रेन का इंजन कैपेबल है डिलीवर करने में। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हाइपरलूप इस्तेमाल करता है मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर आप मोटर के रोटेशन को लीनियर मोशन में बदल देते हैं, तो हमें इससे फॉरवर्ड मोशन हासिल हो सकता है। हाइपरलूप में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो पॉड्स को ऊपर उठाता है और उसे आगे भी बढ़ाता है। इससे पॉड्स और ग्राउंड के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता। दूसरा रीजन है एयर रेजिस्टेंस, जो हमें अधिकतम स्पीड पाने से रोकती है। इसका हल है मेटल ट्यूब्स। अगर हम ट्यूब में से हवा खींच देते हैं, उसमें वैक्यूम बना देते हैं, तो पॉड्स को एयर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा और इससे पॉड्स की स्पीड भी बढ़ेगी। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करने से हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है जो एरोप्लेन्स फेस करते हैं हवा में उड़ते वक्त। तो इसका मतलब है अगर हम पॉड्स से ट्रेवल करते हैं, तो वो हवा में ट्रेवल करने के बराबर होगा। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे इस बंदे का दिमाग है, स्पेसएक्स एंड टेस्ला फाउंडर एलन मस्क। 2012 में हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इनिशियल हाइपरलूप कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था आज के हाइपरलूप कॉन्सेप्ट से। इनिशियल हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में एक कंप्रेशन फैन लगा होता था पॉड्स के सामने। वो कंप्रेशन फैन ट्यूब में से हवा खींचता था और पॉड्स के नीचे फेंकता था। इससे क्या होता था कि पॉड्स के नीचे एक हवा का कुशन बन जाता था और पॉड्स ऊपर उठते थे और साथ ही में वो आगे बढ़ते थे। एलन मस्क ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हाइपरलूप कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स होगा। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर आप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं बिना एलन मस्क के इंटरफेरेंस के। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि आप आज ये रिजल्ट देख सकते हो। इनिशियल हाइपरलूप कॉन्सेप्ट और आज के हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में दो बुनियादी बदलाव किए गए हैं। एक तो मैग्नेटिक लेविटेशन पहले ही इस्तेमाल में लिया जा चुका है मोनोरेल्स में। आपने मैगलॉ के बारे में तो जरूर सुना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है, वो है ट्यूब में से सारी हवा खींचने का और ट्यूब में वैक्यूम पैदा करने का। ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि जितना कम एयर रेजिस्टेंस होगा, उतनी हम ज्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं। ओके
कैसे चेंज करेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपकी नौकरी मुंबई में लगती है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप मुंबई में शिफ्ट हो जाओगे, मुंबई में कोई रूम लेकर वहाँ पर रहने लगोगे, क्योंकि आप रोज रोज मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई अप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर मुंबई और दिल्ली के राउट में एक हाइपरलूप बनता है तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान बन जाएगी, क्योंकि आप नॉर्मली जैसे ऑफिस के लिए तैयार होते हो दिल्ली में, आप तैयार हो गए और आपके नजदीकी जो हाइपरलूप स्टेशन होता है उसे कहते हैं पोर्टल्स, उस नजदीकी आप पोर्टल में गए, आप पोर्ट्स में बैठे और 30 से 40 मिनट में आप मुंबई पहुंच जाओगे, तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान बन जाएगी। और दूसरा रीजन जो है, अगर आप दूसरे सिटी में कोई काम करते हो और उस सिटी में घर लेना बहुत ही मुश्किल बन जाता है, वो अफोर्डेबल नहीं होता, उसके प्राइस बहुत ही हाई होते हैं, और आप फैमिली से भी दूर रहते हो तो आपको वो एक्सपेंसिव हाउस वो नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने घर में जो आपका पहला घर है आप वहीं पर रह सकते हो आपके फैमिली के साथ। आपका काम अगर दूर की कोई सिटी में है तो आप हाइपरलूप से वहाँ चंद मिनटों में आप उस सिटी में पहुँच सकते हो और आपका काम खत्म होने पर आप वापस घर आ सकते हो। तो ये हमारी दुनिया को बहुत ही एक अच्छी तरह से एक बदल कर रख देगा। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस्तेमाल करना आपको बहुत ही सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि हाइपरलूप को बनाना और उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाना बहुत ही सस्ता इसलिए भी है क्योंकि हाइपरलूप बहुत ही कम एनर्जी इस्तेमाल करता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, उस पर भी चल सकता है। We're in India. Pune to Mumbai. तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपरलूप, हाइपरलूप काम कैसे करता है और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल कर रख देगा। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना, ताकि मैं एक अलग से वीडियो इस पर बनाकर आपको दे सकूं। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जबरदस्त किस्म की उन्होंने वीडियो बनाई है जी, और ज्ञान बाबा जी ने, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है वो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो पॉइंट्स हैं उन्होंने वो रेज किए हैं, और लोगों को बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि काम कैसे करेगा, कि भाई इसमें मैग्नेट एनर्जी और उसके अलावा हवा का जो है ना दबाव जो है, बिल्कुल बेसिकली वो इस जो है ना पाइप में से जो है ना वो हवा का जो प्रेशर है हवा को खत्म करना काम है। उसके बाद वो फिर जो है ना जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है स्पीड वैसे वैसे तेज होती जाती है जैसे जैसे वो आगे जाता है। तो इसने वाकई जो है ना दुनिया को जो है ना अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट किया है कि आने वाले वक्तों में ये पूरी दुनिया की सबसे अहम तरीन जरूरत बन जाएगी, और ये छोटे से छोटे शहरों के लिए आपस में जोड़ने के लिए, या लंबे जैसे होते ना जैसे मिसाल के तौर पर जो 1000 किलोमीटर का सफर है, कम से कम अब आपको 1000 किलोमीटर का सफर अगर ट्रेन में करें तो आपको लग जाते हैं तकरीबन की 18 घंटे लग जाते हैं या 15 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो आपका तकरीबन आधा घंटा या तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट, तो आपका जो है बताएंगे दिल्ली टू मुंबई जो कितना सफर है भाई, करेंगे 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, 35 मिनट में, तो आप अंदाजा करें। वैसे हम छोटे होते थे मैं सोचता था यार ऐसी चीज होगी कि मैं यहाँ पे ऐसी किसी चीज में बैठूं और 5 मिनट में जो है ना मैं पहुंच जाऊं जी कराची पहुंच जाऊं, नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 10 मिनट में कराची पहुंच जाऊंगा, कितनी देर पहुंचेगा। अगर लाहौर से भावलपुर है हमारा तकरीबन 475 किलोमीटर, ठीक है जी, 480 किलोमीटर है, तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पहुंच जाएगा। तो यार क्या बात है यार, यकीन करो कमाल हो जाएगा ऐसी चीज यहाँ पहुंच जाए तो यकीन करें सहूलत होगी। यहाँ से कराची का कितना होगा 10 मिनट में? अच्छा मैं जरा मैं कहूंगा मम्मी मैं जरा मामू से मिल के आया, बाहर गए मैं जाने के बाजार शाम को आ जाऊंगा। यहाँ से कराची सही बात है, नहीं वो बता रहे ना इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए ना, लोगों को जो है ना सहूलत होनी चाहिए, ठीक है।
ये क्योंकि बता रहे हैं कि इससे ज्यादा जो है ना खर्चा भी नहीं है, ठीक है। बीच में जो हवा एयर वैक्यूम करने के लिए, लेकिन अंदाजा लगाओ कि कितनी दुनिया इसके ऊपर सफर करने की कोशिश करेगी। और वक्त फिर आने पे लोग ऐसे भी हो जाएंगे, नहीं यार मैंने इतनी जल्दी नहीं, तो लंबा सफर करे जरा, थोड़ा जिसे कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चले, एंजॉय करें, वो अलग बात है, वो भी लोग अलग अलग। आप ये देख रहे हैं टाइम बचेगा, एनर्जी कम वेस्ट होगी, पैसे बचेंगे। जब जब एनर्जी कम वेस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली पैसे भी कम होने चाहिए ना। जैसे जैसे दिखा रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हर चीज खत्म कम होती जा रही है, ठीक है। इंसान की एज पहले होती थी लोगों की 70-70, 80-80 साल, 90-90 साल, ठीक है। लेकिन अब जो है ना एक एवरेज रेशियो जो है वो 60 तक आ चुकी है, 60-65 इतनी एवरेज रेशियो है, ठीक है। तो इसी तरह अब वक्त के साथ साथ चीजों में तब्दील बदलाव आता जा रहा है। जैसे पहले लोगों के सफर जो है बहुत लंबे लंबे होते थे, ठीक है, फिर जहाज आ गया, ठीक है, फिर वो थोड़ा जल्दी होने लग गया, पहले साइकिल, फिर गाड़ी, फिर ट्रेन, फिर जहाज, ठीक है। तो अब जहाज से भी एक और चीज आ गई, हाइपरलूप आ गई। तो ये जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फासले मजीद कम होते जा रहे हैं। और ये फासले हमारे इर्द गिर्द नहीं, हमारी पूरी दुनिया के फासले कम हो रहे हैं, लोगों के भी फासले कम हो रहे हैं। अगर ऐसे होता है दुनिया सारी तुम्हारी है, जहां दिल करता है बगैर सारे भाई हमारे ऐसे। तो बहरहाल जी हमें ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी है, ठीक है। आप तुम्हारा रिएक्शन कैसा लगे आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।